भीख नहीं मांगनी बेटा, कभी कभी नहीं मांगनी भीख, चाहे जितनी मर्जी हालत खराब हो जाए बेटा, चाहे मजबूरी पैदा हो जाए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ जाए, तब भी नहीं मांगनी बेटा। ठीक है, ये तेरा गिफ्ट है बेटा, खुश रहे हमेशा, मस्त रहे, और माता पिता को जितना पैसे कमाता है माता पिता को कमा के दे बेटा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना सनी आर्य। दोस्तों पीछे जो रेड लाइट गई है, अब वहाँ से यू टर्न लेकर आएंगे हम, क्योंकि मैंने एक बच्चा देखा है रेड लाइट पे खड़ा होकर गुब्बारे बेच रहा है, ये मैंने यहाँ से यू टर्न कर ली बेटा, और उस बच्चे को मैं कम से कम 30 से 40 मिनट नोटिस करूंगा कि कितना उसका सामान बिकता है, कितनी देर उसको लगती है, कितनी मेहनत लगती है उसकी, और कितना पैसा ये कमा लेते हैं, सब कुछ नोटिस हो जाएगा 40 से 45 मिनट में। यहाँ से यू टर्न मार ली और गाड़ी लेके खड़ी कर दी, उसके बाद हम गाड़ी को एक जगह लगा देंगे और हेमंत और मैं नोटिस करेंगे कितने लोग उससे सामान खरीदते हैं कितने नहीं, और फिर उसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि जो भीख मांगते हैं लोग वो क्यों मांगते हैं, कारण क्या होता है। कारण सिर्फ एक ही होता है जहाँ तक मेरे को पता है, इनसे सामान परचेज नहीं करोगे ये मजबूर हो जाएंगे, इनके हालत ख़राब हो जाएंगे, इनको टेंशन हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी, तो जो मजबूरी का कारण होता है फिर लास्ट में भीख मांगना होता है कि भाई अब तो कुछ है नहीं, कोई सामान खरीदता नहीं हमारे से, तो भीख मांगना स्टार्ट किया जाए। तो अब देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या इनकी मेहनत, क्या ये ज़्यादा पैसा कमाते हैं या फिर ये अपना टाइम पास करते हैं, क्या करते हैं। पूरी वीडियो के अंदर आपको एक अच्छा मैसेज दिया जाएगा, वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। आप गाड़ी को ना हेमंत यू टर्न लेके वहाँ लगा दे और कवरेज करिए उसकी बेटा, कितनी गाड़ियाँ रुकती हैं, कितने सामान लोग उससे परचेज करते हैं। मैं खड़ा हूँ द्वारका सेक्टर 12 के पास, यहाँ पे मैं आया था हेमंत के साथ एक हेल्पिंग की वीडियो करने के लिए। मैं देख रहा हूँ एक बच्चा पिछले एक घंटे से गुब्बारे बेच रहा है, तो गाड़ियाँ लगातार रेड लाइट पे रुक रही है लेकिन कोई भी सामान लेने को तैयार नहीं है, और बच्चा मेरे को बहुत प्यारा लगा। अब कुछ देर बाद उस बच्चे से बातें करेंगे, कम से कम उसने मेरे सामने 20 गाड़ियाँ रुकी हैं जिसको हमने रिकॉर्ड भी किया है, किसी ने कोई सामान परचेज नहीं करा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो, 1.5 से 2 घंटे अगर एक बच्चा या एक बड़ा एक बुजुर्ग बंदा सामान बेचता है तो कितने का उसका सामान निकलता है, कितने वो पैसे कमा पाता है, यही कारण होता है बच्चे के भीख मांगने का। आप सामान परचेज नहीं करते, बच्चे फिर सोचते हैं पैसा आ नहीं रहा, घर में कमा के क्या दे, रोटी कैसे खाएं, तो फिर वो भीख मांगने लग जाते हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सामान परचेज कर लिया करें, 10 रुपये का गुब्बारा खरीद लिया करें, चाहे आपके घर में बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी आप 10 रुपये का गुब्बारा खरीद लिया करें। 10 रुपये का गुब्बारा नहीं खरीदना तो 10 रुपये बच्चे को दे दिया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो भीख मांग रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो मेहनत करके कमा रहे हैं, जैसे ये बच्चा जिसकी मैंने कुछ क्लिप रिकॉर्ड करी है, आपको दिखाता हूँ कितने गाड़ी वाले रुके, कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ रुकी लेकिन किसी ने सामान परचेज नहीं करा, सामान परचेज कर लिया करें। यही वो बच्चे हैं जिनको सामान नहीं बिकता, परेशान होकर भीख मांगने लग जाते हैं। नाम क्या आपका? किशन। उम्र कितनी है? उम्र 17 साल के हो? 18 साल के हो? कहाँ रहते हो? यहाँ पे रहते हैं, द्वारका नहीं। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हो? महीने के? उतने एक दिन के पड़ते हैं 200-300-400। तो बचते कितने उसमें से? बचते कितने हैं? सब कुछ निकाल के दूसरे बस्ते हैं रोज के।
सामान कहाँ से लाते हो? सदर से लाते हो। और मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा भी यही काम करते हैं। सेम यही काम करते हैं। तुम कितने सालों से ये काम कर रहे हो? मैं यहाँ छोटे से बड़ा ये काम करता हूँ। दिहाड़ी भी करते हैं, पैसा भी काम करते हैं। अच्छा, भीख तो नहीं मांगते ना? नहीं, भीख नहीं मांगते। भीख कभी मत मांगना। नहीं साहब, जब भीख मांगने वाले थे। हाँ, भीख कभी नहीं मांगना। और कोई बच्चा दिखता है भीख मांगता है, उसको समझाना कि बेटा भीख मत मांग, सामान बेच ले। क्या बोलोगे? सामान बेच ले। हम भीख कभी भी नहीं मांगा, इतना बड़ा आ गया। भीख कभी नहीं मांगा, हमेशा मेहनत करके कमाया। हाथ में छाल है साहब, ये देखो कितने मिट गए अभी। क्या हो गया हाथ में? हाँ, ये पीछे दिहाड़ी कर करके छाल और क्या। ये छाले कैसे हो हाथ पे? ये कौन सा वाला? ये पीछे छाले हो रखे हाथ पे। ये हाँ, ये बैलून से हो जाता साहब, जिससे खींचना पड़ता है ना। अच्छा, इतना छोटा आ रहा है तो खींचना पड़ता है, छोटा होता है। समझ गया। कितने घंटे मेहनत करते हो? हम आते हैं आप 5 बजे। अच्छा, और रात को जाते हैं कभी 10 बजे। शाम को 5 बजे आते हो मेहनत करके, 11 बजे रात को। खाना पीना कैसे करते हो? खाना पीना कभी कोई दे जाता है जो खाते हैं, हम मोल का लाके खाते हैं। पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई कराता साहब जी, दूसरी क्लास से। अच्छा, तो अब मन नहीं करता पढ़ाई करने का? अब इतना बड़ा कौन डालता है साहब जी के स्कूल में। तो ये थोड़ा बहुत किसी से गाड़ियाँ देखते, महंगी महंगी गाड़ियाँ देखते, मन नहीं करता कि करता है फिर? हम भी ऐसे कभी कभी करता। तो मेहनत करोगे 4 गुना ज्यादा तो तभी तो अमीर बन पाओगे। इस वाले काम से इतने पैसे थोड़ी कमा पाओगे। इस काम से तो पेट भरना रहता है बस। पेट भरना रहता है बस। भाई भी आपका, बहन भी है? वो भी यही काम करते हैं? हाँ, वो तो दिहाड़ी का करते हैं साहब जी, देनदारी का। तो तुमने मेरे से प्रॉमिस किया है कि कोई भी तुम्हें भीख मांगता नजर आएगा तुम उसको मना करोगे, डांट मारोगे। हाँ, भीख मत मांगने देना अपने आसपास। तो ये मेरा मेरे से प्रॉमिस करो। वो भगाने से पहले उसको सिखाना कि बेटा मेरे तरह सामान बेच ले, भीख मत मांग लेकिन, या पढ़ाई कर ले बेटा। उसको अपना एग्जाम्पल भी देना कि मैं 18 साल का हो गया, पढ़ाई नहीं करी, थोड़ा सा पछतावा होता मेरे को आज, लेकिन कोई बच्चा दिखे तुरंत उसको डांट मारनी है बोली। अभी मेरे को कितने का दोगे एक बैलून? देना है तो दे दो। ये वाला कितने का है? ये 10 रुपए साहब। अच्छा, ये वाला? ये आप दोगे कितना देते हैं? राजस्थान। पीछे से कहाँ से हो? हम राजस्थान से। राजस्थान से? हाँ, लग रहे हो राजस्थान। राजस्थान में कहाँ रहते हो? हम वहाँ पे रहते हैं जी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। ये कितने का दोगे? एक ही है सारा, एक ही है। नहीं, ये वाला कितने का है? ये आपको बताया नहीं था साहब, आप दोगे? बता दे, वैसे बता छोटे, कितने का देगा ये? 100 रुपए दे देना। 100 रुपए का देख ले तूने, पहले 150 बोले, 100 रुपए। जनवन कितने का होता है? दिल की बता, दिल से बता दे, जनवन कितने का होता है ये साहब जी? सही, दिल पे हाथ रख के बता। दिल पे हाथ रख के 50 रुपए में पड़ जाता साहब। ओ ओ, और सही बता, और सही दिल से बता, देख चुपा मत, मकसद दे आप। ये आगे से पड़ता 40 रुपए का साहब जी। और कम कर साहब जी, कितना कम कर? नहीं नहीं, मतलब कम मतलब सच्चाई बता मेरे को, सच अच्छा लगेगा। सच्चाई बता रहा हूँ साहब जी, देखो ये मिलता है 3500 रुपए का, है ना साहब जी? देखो तू देख ले, पहले 150, 100, 40, 35। सुनोगे तो बता 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 बता। ये तो ये गाड़ी सेल तो अलग लेना पड़ता है हमारे बता। अच्छा, सेल? अच्छा, सेल अलग से लेना पड़ता है। ये 3500 रुपए का पड़ता है वैसे? ये टंडी लाइट। और बेचते कितने का हो ये? ये अब कोई 50 में, कोई 60 में ले जाता, कोई 100 भी दे देता है, कोई 150 भी दे देता है। अब देने वाले तो मेरे को कितने का दोगे? आप दे दो, जो देना बता, दिल की बता, तेरे को दे दूंगा पैसे। आप देना जो तू दिल की बता, तेरा दिल देखना चाहता हूँ कि छोटा कितना। 50 हजार बस। लाइट जलती है इसके अंदर? तो कितने पड़े अपने पास? 1, 2, 3, 4। ले पकड़, पैसे पकड़ा मेरे को बेटा। ये काम कर, टोटल सारा सामान कितने का बेटा? ये सामान चेक करे, 50 का हो गया बेटा। ये 50, 100 रुपए। ये बेटा 100 रुपए के ये हो गए ना, 100 के ये हो गए, कितने हो गए? 200 रुपए। और ये हो गए तेरे 210, 220, 230, 240, 250, 250 रुपए हो गए। दे देगा सारा सामान?
मोरपंख कितने का बेटा दिखा? 10 रुपए। दिखा दिखा कैसे, ये कितने का लाता? ये सही बताइए, झूठ नहीं बोलना। कौन ये वाला पंख? ये पड़ता है आगे से 5 रुपए। 5 रुपए का पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत प्यारे हैं यार मोरपंख। ये कहाँ से लाते हो मोरपंख? ये वहाँ से लेकर आते हैं बाबू। कहाँ से? सदर से लाते हो। ये कितने का पड़ता है एक? आपको बता देना, 5 रुपए हिसाब से देता है। अच्छा चल ये ले, टोटल सामान कितना हो गया तेरा? 250 रुपए हो गए थे। और ये मोरपंख कितने के देगा बेटा? ये वाले 10 है बाबू। ये 10 है। कितने पैसे लगा लेगा बेटा मोरपंख के? 300 रुपए तेरा दो, सारा सामान दे देगा 300 में। 300? हाँ सारा सामान सारा मोरपंख भी दे देगा फिर? मोरपंख 350 में दे देगा सब कुछ। चल ठीक है डन है। लेकिन बेटा एक प्रॉमिस तूने करा मेरे से, एक तो भीख नहीं मांगने देगा किसी को, तू भी नहीं मांगेगा बेटा। और कोशिश और कोशिश करियो बेटा पढ़ने की, पढ़ाई करे, कोशिश करेगा ना, पढ़ाई करे तो बहुत कुछ बन जाएगा बेटा। ये तो इस काम में कुछ नहीं रखा बेटा, ना बड़ा बन पाएगा और जिंदगी भर बेटा पसीने में धूप में खड़ा होकर यही काम करेगा। ठीक है, ये खुले पैसे पड़े बेटा, बोली भी नहीं हुई। अरे यार 350 में सारा सामान दे दे मेरे को, और पैसे खुले किससे करा के लाएगा बेटा? कोई है आसपास बंदा जो खुले कर दे? आज तक कभी किसी ने सारा सामान खरीदा है? मतलब पहली बार किसी ने सारा सामान लिया है? आज से पहले कभी हुआ है? याद कर लो, किसी ने नहीं खरीदा। अच्छा एक रिक्वेस्ट हो रहा है बेटा, जैसे ये 150 रुपये का बता रहा था ना बेटा मेरे को, कोशिश किया कर बेटा, जो गाड़ी वाले होते हैं, जो बच्चे साथ में जा रहे होते हैं, पैदल जा रहे होते हैं, रिक्शे में जा रहे होते हैं, एक जायज रेट लगाया कर बेटा, 70 रुपये या 80 रुपये बेटा। इससे ऊपर मत बोला कर बेटा, 50 रुपये। तू 150 बोलेगा ना बेटा, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आई रेड लाइट पे रुकी, तूने 150 बोले तो गाड़ी वाला चल पड़ेगा। तो एक ही बात बोलेगा ना सर, 70 रुपये मेरा जो आया तुमने, मैं दे रहा हूँ 10-15 रुपये कमा रहा हूँ, अच्छा लगेगा उसको सुनने में। वो कहा भाई ईमानदारी दिखा रहा है बंदा। अब तेरे जैसे कितने भाई खड़े हैं 150-200 रुपये में दे रहे हैं सामान, ये कौन लेगा सामान बेटा? 20-30 रुपये तूने मेरे से कितने कमाए? 10-15 रुपये ऊपर कमाया बस, ये 20 रुपये ऊपर कमाए फिर बेटा। हट जा। जी बैठे ना भैया, बैठे भाई, दोस्त खुले हैं क्या? चल एक काम कर, वादा कर कभी सिगरेट नहीं पिएगा, दारू नहीं पिएगा। ऐसा काम नहीं करता मैं। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। और कोशिश करेगा पढ़ाई करने की, तभी बड़ा आदमी बनेगा बेटा। ठीक है ले पकड़ ले, ये गिफ्ट है तेरे लिए। सामान सारा सामान रख दे अंदर, रखेगा नहीं रखना, जाओ बेचो। नहीं बेटा समझा कर, ये तेरा गिफ्ट है। तूने क्या बात बोली बेटा, तू ड्रिंक नहीं करता, नशा नहीं करता, और बच्चों को बोलेगा कि मेरे से तूने वादा करा है कि भीख नहीं मांगनी, तूने इतनी सारी मेरी बातें मान ली, मेरे को अच्छा लगा बेटा। ये तेरा भीख भीख नहीं मांगनी बेटा, कभी कभी नहीं मांगनी भीख, चाहे जितनी मर्जी हालत खराब हो जाए बेटा, चाहे मजबूरी पैदा हो जाए, कोई बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ जाए, तब भी नहीं मांगनी बेटा। ठीक है, ये तेरा गिफ्ट है बेटा, खुश रहे हमेशा, मस्त रहे, और माता पिता को जितना पैसे कमाता है माता पिता को कमा के दे बेटा। एक रुपये नहीं रखता ना बेटा? वेरी गुड बेटा, अच्छा लगा। कुछ भी नहीं रखता साहब, देख तो बड़े पड़ रहे हैं, जो भी नहीं। पसीना बहेगा बेटा, पसीना निकलेगा तो क्या होगा? मेहनत पता लगेगी बेटा, तो धूप नहीं देखनी बेटा, बारिश नहीं देखनी, मेहनत करते चले जाओ। और पढ़ाई का सोचना है बेटा, एक बार नहीं 10 बार। और छोटी बहनें भी हैं, छोटी बहनों को ध्यान रखना जिंदगी भर, छोटी बहनों को तू पढ़ाएगा बेटा, उनको भीख नहीं मांगने देगा ना काम करने देगा बेटा। ठीक है चल बाय बाय, वेलकम बेटा।
दोस्तों देखिए आपने पूरी वीडियो कि हमने प्रॉपर तरीके से सब कुछ दिखाया आपको कि जब एक बच्चे से या किसी बड़े से आप सामान परचेज नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या है, उसके पास लास्ट ऑप्शन है भीख मांगना। हालत ख़राब हो जाएंगे, घर नहीं चल पाएगा, पैसे नहीं कमा पाएगा। बच्चे ने आपने सुना बच्चे ने क्या बोला कि मैं 100-150 या 200 रुपये कमाता हूँ मैं, तो इससे कहाँ घर चल पाएगा, वो भी कभी कभी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे लोगों तक मैसेज जाए कि अगर 10 रुपये भी आप खर्च करते हैं, इतना पेट्रोल आप रेडलेट पे फूंक देते हैं, 10 रुपये बच्चों को दे दोगे, सामान परचेज कर लोगे 10 से 15 रुपये का, तो कुछ नहीं जाएगा आपका, वो बस भीख नहीं मांगेगा। और हमारे देश में भीख मांगने वालों की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है, उसको कम करना हमारे हाथ में ही है। तो वीडियो को दबा के शेयर करना, लोगों तक जाए। लोग सिगरेट में पैसा फूंक देते हैं, गुटखे में, दारू के अंदर, बियर में और गंदी चीज़ों के अंदर। 10 रुपये का सामान परचेज कर ले, मैं इतना ही बोलूँगा, भीख मत दो, 10 रुपये का किसी बच्चे से सामान परचेज कर लो जो बच्चा मेहनत कर रहा है, या कोई बड़ा मेहनत कर रहा है, या कोई लेडी मेहनत कर रही है, उनको अच्छा लगेगा, सामान बिकेगा, उनका मेहनत करके कमा रहे हैं वो। एक होता है भीख मांगना जिससे कि हमें लगता है हाँ भाई ये गलत कर रहे हैं, उसको पैसा देकर हम ये आगे नशे करेगा, भीख तभी मांग रहा है या इससे मंगवाई जा रही है। जो भीख मांग रहा है उसको ये भी कह सकते हैं कि बेटा पढ़ाई कर, पढ़ाई करके नाम कमा, बड़ा आदमी बन, गाड़ी खरीद, या उसको उसके माँ बाप से, मतलब अगर आपके पास समय है तो उसके पेरेंट्स भी आसपास ही बैठे होते हैं, उनसे आप बात करिए, उनको थोड़ा समझाइए कि अपने बच्चे से आप ये काम क्यों करवा रहे हैं, भीख क्यों मंगवा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 मिनट का समय निकल लोगे बहुत सारे काम हो जाएंगे। हम 100 में से 5 लोग भी ऐसा काम कर ले मेरी वीडियो के बाद तो बहुत अच्छा हमारा बदलाव आ जाएगा 1 से 1.5 साल के अंदर हमारे देश के अंदर। तो वीडियो को अच्छे से शेयर करना, आपका भाई आपको ऐसी वीडियो दिखाता रहेगा और मैसेज पे मैसेज देता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी।